हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू में थायरोफिट 100 टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। थायरोफिट 100 टैबलेट का मुख्य तो उपयोग थायराइड की समस्या दूर करने के लिए यूज किया जाता है। आइए इस टैबलेट के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये टैबलेट कैसे काम करती है, क्या इस्तेमाल होती है, उस टैबलेट के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, इस टैबलेट से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको शुरू में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। एरिस लाइफ साइंस कंपनी की 120 टैबलेट का पैक आपको मेडिकल स्टोर पर ₹160 में मिल जाएगा। दोस्तों बताएगी कीमत समय के साथ कम या ज्यादा हो सकती है। यह टैबलेट खरीदने के लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है। यह डॉक्टर के पर्ची पर मिलने वाली टैबलेट है। बात करते हैं इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट के बारे में। थायरोफिट 100 टैबलेट में थायरोक्सिन सोडियम आईपी 100 mcg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद थायरोक्सिन यह ड्रग थायराइड ग्रंथि द्वारा उत्पादित हार्मोन का सिंथेटिक वर्जन है। यह थायराइड हार्मोन को बदलकर काम करता है जो आपकी थायराइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं कर सकती है, और यह हाइपोथायरायडिज्म के लक्षणों से राहत देता है, जैसे थकान, वजन बढ़ना आदि लक्षण। बात करते हैं इस टैबलेट की यूजेस के बारे में। डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस टैबलेट का मुख्यतः उपयोग हाइपोथायरायडिज्म की समस्या में किया जाता है। हाइपोथायरायडिज्म को अंडर एक्टिव थायराइड रोग भी कहा जाता है। यह एक सामान्य विकार है। यह तब होता है जब आपकी थायराइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन नहीं बना पाती है। महिलाओं में खासतौर पर हाइपोथायरायडिज्म सामान्य रूप से देखने को मिलता है। इस समस्या में डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते है। इसे थायराइड कैंसर की समस्या में भी डॉक्टर यूज करते है। इसे गोइडर की समस्या में भी डॉक्टर यूज करते है, जिसे हम गलगंड गेगा भी कहते हैं। थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ने को गोइटर कहा जाता है। थायराइड एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है जो गर्दन के अंदर ठीक कॉलर बोन के ऊपर स्थित होती है। हालांकि गोइटर रोग आमतौर पर दर्द रहित होता है, लेकिन यदि इसमें थायराइड ग्रंथि का आकार अधिक बढ़ जाए तो इसमें खांसी, निगलने व सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इस समस्या को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इस टैबलेट का अन्य यूज जानने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। आपके डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल उनके अनुभव से अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बात करते इस टैबलेट के डोसेस के बारे में। आप अपनी समस्या अपने डॉक्टर को बताकर इस टैबलेट का डोस उनसे निश्चित कर ले। याद रखे दोस्तों, इस टैबलेट का डोस आपके थायराइड लेवल पर निर्धारित रहता है, इसलिए इस टैबलेट को हमेशा डॉक्टर की सलाह से यूज करे। इसे अपने मन से घर पर यूज न करे। साइड इफेक्ट, इस टैबलेट के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको बताए गए कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको बताए गए कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस टैबलेट के इस्तेमाल से आपको उल्टी, मितली, चिंता, दस्त, घबराहट, बेचैनी ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते है। इन बीमारियों से ग्रसित लोग इस टैबलेट का यूज न करें। अगर आपको हार्ट डिजीज की समस्या है, या फिर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म की समस्या है, या फिर आपको ड्रग एलर्जी है, या फिर आप शुगर पेशेंट है, तो आप इस टैबलेट का यूज न करें। प्रिकॉशन, इस टैबलेट को यूज करते समय सावधानियां। अगर आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है, या फिर आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है, तो आप इस टैबलेट का यूज न करें। अगर आप पहले से कोई अन्य मेडिसिन टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दे। इस वजह से इस टैबलेट का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। अगर आपको लीवर या फिर किडनी से जुड़ी कोई अन्य समस्या है तो उसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य दे। प्रेगनेंसी में यह टैबलेट लेना सेफ है, पर लेकिन गर्भवती महिलाएं ये टैबलेट यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। इसे अपने मन से घर पर यूज न करे। इस टैबलेट के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करे, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करे और माई फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन डोज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।